जब भी कोई नई फिल्म आती है तो नई तरह की बात की जाती है। रणबीर कपूर की एनिमल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पैसे बटोर रही है। एनिमल फिल्म को लेकर युवाओं में गजब का उत्साह दिख रहा है। फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड 360 करोड़ की कमाई कर ली है। देश में एनिमल ने पिछले 3 दिनों में 202 करोड़ की कमाई की है, लेकिन फिल्म को लेकर विवाद भी खूब चर्चा बटोर रहा है। स्वानंद किरकिरे से लेकर अनुराग कश्यप तक ने फिल्म को लेकर अपनी राय रखी है। जहां अनुराग कश्यप फिल्म को लेकर डिफेंसिव मोड में नजर आए, तो वहीं स्वानंद किरकिरे ने खुलकर फिल्म की आलोचना की है और फिल्म को महिला विरोधी बताया है। स्वानंद किरकिरे फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट में लिखते हैं कि सब सिनेमा की बदौलत है, पर आज एनिमल देखकर मुझे सचमुच आज की पीढ़ी की स्त्रियों पर दया आई। आपके लिए फिर एक नया पुरुष तैयार किया गया है जो ज्यादा डरावना है, वो आपकी इतनी भी इज्जत नहीं करता और जो आपको झुकाने दबाने और उस पर गर्व करने को अपना पुरुषार्थ समझता है। आज की पीढ़ी की लड़कियों, तुम उस सिनेमा हॉल में बैठकर रश्मिका के पिटने पर जब तालियां पीट रही थी तो मैंने मन ही मन समता के हर विचार को श्रद्धांजलि दी। मैं घर पर आया हूँ हताश निराश और दुर्बल। स्वानंद किरकिरे ने फिल्म को लेकर कहा कि जनता की स्वीकृति मुझे विचलित कर रही है। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के गौरवशाली इतिहास को शर्मिंदा कर रही है। हमारी फिल्मों ने महिलाओं का इज्जत करना सिखाया है, पूजना सिखाया है, लेकिन ये फिल्म हमें ये संदेश देती है कि महिलाओं को मर्दों से डर कर रहना चाहिए। एनिमल को लेकर सोशल मीडिया पर जहां कुछ लोगों ने स्वानंद किरकिरे को सपोर्ट किया है, वहीं कुछ का कहना है कि ये फिल्मकार पर है जो कैसी फिल्में बनाते हैं। अनुराग कश्यप ने भी एनिमल पर प्रतिक्रिया दी है। अनुराग कश्यप ने कहा कि मैंने अभी तक एनिमल नहीं देखी, लेकिन एक फिल्मकार को यह आजादी है कि वो कैसी फिल्म बनाए। संदीप वागा रेड्डी की फिल्मों में हमेशा उनका नायक नायिकाओं पर हावी होता है, चाहे वो कबीर सिंह हो या फिर एनिमल। एनिमल विवाद के बीच आमिर खान का एक स्पीच भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आमिर खान कहते हैं कि जो डायरेक्टर क्रिएटिव नहीं होते वही अपनी फिल्मों में हिंसा और सेक्स दिखाते हैं। बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि फिल्मों में महिलाओं को गलत प्रोजेक्ट करने पर बवाल मचा हो। इससे पहले भी फिल्म निर्माता किरण राव ने फिल्मों में महिलाओं को दिखाने पर सवाल उठाया था। किरण राव ने फिल्म बाहुबली और कबीर सिंह की आलोचना की थी। किरण राव ने कहा था कि फिल्मों में लड़कियों का पीछा करने का खूब महिमा मंडन किया जाता है। इसी तरह बाहुबली फिल्म में प्रभास और तमन्ना के सीन पर भी खूब बवाल मचा था। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा भी बॉलीवुड में मेल गेज की बात कर चुकी हैं कि कैसे एक डायरेक्टर ने उनसे कहा था कि इस सीन में तुम्हारे अंडरगार्मेंट्स दिखने चाहिए। इस पर प्रियंका चोपड़ा को वो फिल्म ही छोड़नी पड़ी थी। एनिमल की ही बात करें तो एक सच्चाई ये भी है कि एक बड़ी आबादी इस फिल्म को देख भी रही है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो आने वाले सालों तक अभी दिखता रहेगा।